हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत अच्छी और कह सकते हैं बहुत गुड न्यूज़ सभी कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे थे। एक और जोन से जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ चुका है। कह सकते हैं कि रेलवे भी अब अपने तरफ से पूरे 110% एफर्ट लगा रहा है कि सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स का नाम पैनलिस्ट में आ चुका है, उनको ज्वाइनिंग लेटर फटाफट डिस्पैच कर दे। मैंने आप सभी को बताया था, जब भी अपन लाइव स्ट्रीमिंग कहते थे कि करते थे, तो उसमें बता दिया था मैंने कि मार्च के फर्स्ट वीक में अप्रॉक्सीमेटली सभी RRB, दोस्तों ये एक और RRB का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ चुका है। आप बोलेंगे भाई तू किसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों आज इसीलिए मैंने, यही कारण है कि वीडियो का थंबनेल नहीं लगाया, नहीं तो वीडियो का थंबनेल उसमें थोड़े से मिनट चले जाते। मैं नहीं चाहता था कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको वो थोड़ी लंबी खिंचा जाए। तो बातें बहुत हो गई है। सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि सभी लोगों को, सभी मेरे भाई लोगों को, और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आती रहती है और गवर्नमेंट से जितने भी रिलेटेड एग्जाम है सभी को नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब बातें बहुत हो गई, फटाफट चलो पहले डेट देख लो। 17 तारीख का आया हुआ है ये, लेटेस्ट अभी का है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, ये जो कैंडिडेट्स का नाम है आप वो देख सकते हैं। विषय इसमें लिखा हुआ है सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत ग्रुप सी, इनको डायरेक्ट जो रहता है लेवल सी लेवल 6 के नियुक्ति संबंध में ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इनको दिया गया है। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन। और ये देखिए यहाँ पर विषय तो आप जानते ही हैं, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं अपन विषय भी। उपरोक्त संबंधित पत्र के अंतर्गत आपका चयन 50% सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत JEE यांत्रिक कार्यशाला के पद पर हुआ है। देखिए इनका जो सिलेक्शन हुआ है किस बिहाफ पर हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले फर्स्ट में लिखा है नियुक्ति पूर्व के औपचारिकताओं। दोस्तों जब ये फॉर्म आप भरते हैं किसी भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, जब फॉर्म भरते हैं आप, तो रेलवे के पास जब से आपने फॉर्म भरा है, साइबर पर गए हैं, अपना नाम इंटर किया है, फॉर्म जैसे ही वहाँ तक एक्सेप्ट हो चुका है, तो रेलवे के पास पूरे के पूरे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और एप्लीकेशन है वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में, कह सकते हैं कि प्रॉपर एक प्लेस पर रखे हुए रहते हैं, आपकी पूरी एक फाइल बनी हुई रहती है। तो रेलवे में बताया गया है कि आपके जितने भी ओरिजिनल जो आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय लगाए थे वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके आना है, और विथ उसके साथ चार चार जेरोक्स, वो भी कलर में करवाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन कलर में भी कराएंगे तो चलेगा, बट ऐसा कि विजिबल हो उन सभी को देखने के लिए। सेकेंड, वर्तमान समय में दोस्तों आपकी लेटेस्ट जो फोटोग्राफ्स है स्पेशली अभी की, क्योंकि अब जो जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है एज अ JEE में, आपको पूरा रेलवे में हिस्सा बन चुके हो आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना है, फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स ले जाना जरूरी है आपको साथ में। थर्ड में लिखा है आपको वेतन का भुगतान। दोस्तों जो रेलवे है वो सभी जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको पूरा का पूरा जो सैलरी है वो बैंक के खातों में देती है, तो डायरेक्ट आपके खाते में चले जाएगा पैसा। उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, आपके बैंक का जो भी IFSC कोड रहता है, एक कैंसल चेक, एज वेल एज आपकी जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज, इतनी फोटो कॉपीज आपको साथ में लेके जाना है। हो सके तो ओरिजिनल भी लेके जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। फोर्थ में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, आपने जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो एडुकेशनल आपका पीछे का बैकग्राउंड है, वो आपको पूरे के पूरे सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है, और वहाँ पर उन्हें चेक करवाना है, और जो फोटो कॉपीज है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो ओरिजिनल है वो आपको खुद को रखने को बोल दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, स्पेशली SC और ST कैंडिडेट्स के लिए पिछले 3 साल का चल जाएगा, बट OBC वालों के लिए मैंने बार बार कहता हूँ कि मात्र 1 साल पुराना नहीं चल पाएगा, तो अभी आप जाइए साइबर कैफे पे, अपडेट हो जाता है विद इन 15 दिन में आ जाएगा, और फिर आप उसे अगर फोटो कॉपी भी लेके जाओगे उसके कलर में तो आपका काम हो जाएगा। 6 में लिखा है पैन कार्ड आधार कार्ड की छाया। दोस्तों पैन कार्ड आधार कार्ड और हो सके तो दूसरा अगर ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी ये भी चल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है सेवेंथ में लिखा है कृपया आप अपने मोबाइल नंबर, दोस्तों सेवेंथ में लिखा हुआ है अपना जो भी मोबाइल नंबर है, और ताकि उससे मतलब वैलिड एक जो फोन है जो शुरू ही रहता है, कभी ऐसा आप बंद ना करेंगे और ना बंद हुआ हो, ऐसा फोन नंबर डाले, क्योंकि रेलवे अगर कुछ लाइफ में आगे अगर आप छुट्टी पे चले जाते हैं तो उस फोन पर मैसेज द्वारा या फोन द्वारा आपको संपर्क कर सके, और जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे सके। 8th में आप अपने 6 जिला पुलिस अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट के टेलीफोन नंबर एवं फिक्स लेकर आवे। हाँ दोस्तों 8th में लिखा हुआ है आपके जो भी नियरेस्ट कोर्ट पड़ता है, दोस्तों कोर्ट नहीं, कोर्ट में तो आपको पूरे के पूरे जो
साइन एंड सिग्नेचर है वो करवाने ही करवाने हैं क्योंकि अटेस्टेड के फॉर्म में, बट यहाँ पर 8th पॉइंट में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। 8th पॉइंट में लिखा है कि आपके जो नियरेस्ट जिला पुलिस है या एरिया में जो पुलिस लगता है उसका टेलीफोन नंबर या फैक्स, दोनों में से एक चीज होना कंपलसरी है वहां पर। ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्यों दिया गया है, क्योंकि ये आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें काम आएगा। पुलिस रेलवे डायरेक्ट पुलिस से कांटेक्ट करती है कि आप बताइए इस एरिया में पर्सन रहता है, इसका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ में ये पहले पाया तो नहीं गया, या इसके ऊपर कोई केस तो नहीं। तो दोस्तों अपने सभी के सभी पॉइंट्स हो चुके हैं 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आचरण व पूर्वता। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है आप जब भी अपना ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट वहाँ क्रॉस चेक करवाएंगे, वेरीफाइड करवाएंगे, उसी के आगे आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि आप जल्द से जल्द पूरे के पूरे दस्तावेज, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर कार्मिक शाखा स्थापन के पास रिपोर्ट करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, बसंत सिंह करते मुख्य कारखाना प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, और संलग्न चरित्र एवं पूर्णता, ये देखिए इसकी जो पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो। दोस्तों खासकर इसके आगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई वो भी डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा जॉइनिंग लेटर कैसा आया है आप हमारे साथ डिस्कस करो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इसके लिए खासकर अभी तक जो चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट चैनल पर आती रहती है। तो आज का वीडियो यहीं रोकते, होप आप सभी को पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कर दो यार, आप लाइक नहीं करते हो और चैनल से जुड़ते जाइए, ये आपके लिए चैनल बनाया गया मैंने आप सभी को बताया। तो थैंक यू सो सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।